देखिए ये सिंगी मछली है, इसका ग्रोथ देख लीजिए, इसका लेंथ देख लीजिए, कोई फीड नहीं है, बाहरी कोई फीड नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल फीड नहीं है, घर के जूठा पे पल रही है वो, आपको मैं यही दिखा रहा हूँ। कचरा गुरु यूट्यूब चैनल में हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज फिर एक बार मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल कचरा गुरु में दिखाएंगे वह पार्ट जो हमने अभी नहीं दिखाया था और एक साल से उस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन लगातार दर्शकों का लगातार कमेंट आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, उसके बाद हमने यह निर्णय किया कि वह पार्ट जिसको कि अभी तक मैंने नहीं दिखाया है, उस कचरा का प्रबंधन जिसे मैं आपको नहीं दिखाया है आज दिखाने जा रहा हूँ। तो यह हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप इत्मीनान से देखेंगे। और इस पार्ट पे एक इस पूरे सिस्टम का जो हमारे टेरिस गार्डन की हरियाली देख रहे हैं उसमें इसका भी राज छुपा हुआ है। तो आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल कचरा गुरु और आगे दिल थाम के बैठिए, मैं वो राज आज खोलने वाला। जल जीवन और अमृत सबने सुना है, आज देखना भी है, जानना भी है। यह भी एक जल है और यह भी एक जल है, दोनों ही जल है। ये हमारे पौधों का विटामिन है और यह मेरा विटामिन है। तो आइए हम लोग इस जल का अध्ययन करें और जल की ज़िंदगी को जानें कि इस जल में कौन सी ज़िंदगी पलती है और इस जल में कौन सी ज़िंदगी पलती है। तो देखते हैं हम लोग उस कचरे का प्रबंधन जो अब तक छुपा हुआ था, मतलब घर से जो गीला कचरा निकलता है, चावल, रोटी, सब्जी जो बच जाते हैं, जो जूठन निकलते हैं, आज हम उसकी प्रबंधन की बात कर रहे हैं आपके साथ, उसको बताने आए हैं, उसको दिखाने आए हैं। तो अभी हमारे इस टेरिस गार्डन में एक अलग नमूना है, एक अलग दर्शन है जिसको कि मैं दिखा रहा हूँ, और वही दर्शन इस तमाम पौधों को इतना उर्वरक ताकत दिए हुए है, इतना उत्पादन, इतना फ्रूटिंग जिसको आप देख रहे हैं वो दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हम अपने घर के छत पे जो मछली पिछले साल 22 अक्टूबर को इस टैंक में डाले थे उसकी क्या स्थिति है। अभी जो देखे जिसमें पानी आ रहा है वो इस साल 5 अक्टूबर को डाला गया है, छोटा छोटा मछली का जीरा जिसको कि आप क्लोजअप में देखेंगे, लेकिन अभी मैं पिछले साल की मछलियों को दिखा रहा हूँ जो इस टैंक में है और इसका साइज आप देखेंगे। देखिए इसमें ये टैंक है, इसका आउटलेट हम खोल रहे हैं, ये पानी और ये बाल्टी, इससे मैं दैनिक रूप से इस पानी को निकालता हूँ और पौधे में सिंचाई करता हूँ। पौधों को जिंदा रहने के लिए, हरा भरा रहने के लिए यूरिया चाहिए, अमोनिया चाहिए, और मछलियों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। मछलियाँ हमारे घर से निकले हुए गीले कचरे अर्थात जूठा को खाती हैं और इस पानी में पलती हैं, इसके बाद ये मछलियाँ पलने के बाद इसमें अमोनिया छोड़ती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं और अमोनिया छोड़ती हैं। ये अमोनिया और हमारे प्रतिदिन पौधे में जाते हैं और पौधे की हरियाली आप देख रहे हैं किस स्थिति में पौधे की हरियाली है, ये आप यहाँ देखिए। और इसमें जो मैं मछली डाला हूँ जो विगत एक साल हुए और क्या इसका ग्रोथ है आप देखेंगे। इसमें दो प्रजाति की मछलियाँ हैं, एक मांगूर है और एक सिंघी है, दोनों ही एक साथ पल रही हैं। इसका साइज आप देख सकते हैं, इसमें बस दो मिनट के बाद ये मछलियाँ आपके सामने दिखाई देने लगेंगी। पानी बहुत सारा निकल गया और अब आपके सामने मछलियाँ आएंगी, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमारे घर में जूठा का प्रबंधन हो रहा है। ये मछलियाँ आपके सामने अब दिखाई देने लगी, धीरे धीरे जो पानी निकल गया
पानी के बाद अब मछलियाँ दिखाई देने रहेगी, इनकी बेचैनी बढ़ गई है, इसलिए इसको भी लग रहा है कि कुछ हो रहा है। और इस तरह से ये मछली ये देखिए दो तरह की मछलियाँ आपके सामने है, एक सिंघी है और एक मांगूर है। दोनों ही मछलियाँ, ये जो छोटा वाला दिखाई दे रही है ये सिंघी है और ये मांगूर है। ये मांगूर है और ये सिंघी मछली है। ये सिंघी मछली का डंक होता है, वो काटती है। ये दोनों मछलियाँ हैं और देखिए कितना इसका ग्रोथ है, इसमें देख लीजिए कि कितना ग्रोथ है मछलियों का। और ये आपके छत पे इस तरह से आप भी कर सकते हैं, देख लीजिए इसमें मछलियों का ग्रोथ, एक साल का ग्रोथ है ये, लगभग ग्रोथ एक साल का है सिंघी का और मांगूर का, और दोनों साथ पल रही है। इसमें 25 पीस मांगूर और 25 पीस सिंघी का ये जीरा डाला गया था, जो आपके सामने है वो दिखाई दे रहा है। देखिए ये सिंघी है, देख लीजिए सिंघी का ग्रोथ। वेट तो करने का मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, तो मैं वेट करके दिखाता। अभी इसका हमको लग रहा है कि 150 ग्राम से वजन ज़्यादा है। तो ये स्थिति है, आप अपने छत पे इसकी ये कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा तापमान मेरे छत पे 42 से 43 डिग्री गर्मी में होता है, और कम से कम छत का तापमान 5 डिग्री होता है, और खुले आसमान के नीचे ये सर्वाइवल इनका रेट है।